के बदले सनम बिनक दिन ताना दर्द दिल ले चुके बजाना बिनक दिन ना तो गाइस सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि फिल्म देख पर कुछ अपन नया प्रकार का वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे, जो कैसे एडिटिंग करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो गाइस सबको वीडियो चले वीडियो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं कहीं मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं हाँ, तो गाइस अब आपको ओपन कर लेना है काइन मास्टर। काइन मास्टर ओपन करने के बाद क्या करेंगे, इसी अपन न्यू क्रेडिट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको इस तरह से क्लिक करने के बाद 916 नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से अपन कुछ फोटो सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस आपको वीडियो में बड़ी आसानी से एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और अदर अगर गाइस आपको वीडियो चले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले इस तरह से कुछ फोटो अपन ऐड करेंगे इस वीडियो में, जो कि अपन मैं लाइव आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो कुछ फोटो इस तरह से आपको स्क्रीन पर ले लेना है, ठीक ना। इस तरह से फोटो ले लेना है। फोटो लेने के बाद क्या करना गाइस, अपन फर्स्ट में जाते हैं। फर्स्ट में आने के बाद क्या करना, यहाँ से लेयर पर जाना है, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या करना, यहाँ से एक अपन वीडियो इसमें यूज करेंगे, जो गाइस मैंने पहले से एक टेम्पलेट वीडियो बना रखा था, ठीक ना। तो वो वीडियो लेंगे, और अदर गाइस आप चाहो तो आप कोई दूसरा वीडियो ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस मैंने दो वीडियो बना रखा था, तो एक वीडियो अपन ये वाला इसमें यूज करेंगे, ठीक ना। और अदर गाइस ऐसा आपका वीडियो में कुछ आता है ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, तो आपको अब लेयर को ऑप्शन पे जाके अपन ने वो वीडियो ऐड किया, अब जाके आपको क्या करना, यहाँ से कर लेना है मीडिया को ऑप्शन पे जाकर ट्रांजेक्शन कोडिंग इस वीडियो का, ठीक ना। तो कुछ समय मांगेगा तो अपन थोड़ा सा वेट कर लेते, इस तरह से बहुत फास्ट अपनी रंगीड चल रही है। इस तरह से कुछ समय मांगेगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, कुछ ज्यादा समय नहीं मांगेगा, ठीक ना। तो इस तरह से कंप्लीट लिखाने के बाद गाइस यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो गाइस इसमें सॉन्ग वगैरह ऑलरेडी पहले से मिल जाएगा, कोई डालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप क्या करेंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेंगे, और क्या करेंगे, जो फर्स्ट वीडियो था इसको अपन डिलीट कर देंगे, ठीक ना। तो गाइस इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक कर लेना है, और गाइस इसको स्प्लिट स्क्रीन में जाकर इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद कुछ इंस्टेंट पर आएगा, सबसे पहले अपन इस वीडियो पर फिर से क्लिक करेंगे, और नीचे चलते हैं क्रोमा की को ऑप्शन पे। क्रोमा की को ऑप्शन पे जाकर करने के बाद इसको इनेबल करने के बाद क्या करना है, यहाँ से इस तरह से कर लेना, और थोड़ा सा जो 28% लिखा है इसको थोड़ा सा क्या करना है, 35 के लगवा कर लेना है। आप क्या करेंगे, इस फोटो को आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, जो कि अपने ऑटोमेटिक आ रहे हैं अभी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता दें, जैसे कोई सा फोटो नहीं आएगा तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पहले इसमें इफेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, बीच जो माइनस ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करते हैं, और कुछ इफेक्ट वगैरह लगा लेते हैं एक दो चार, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, फोटो का साइज अपना ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, मतलब कि छोटा हो जाएगा। तो ताकि अपन को फोटो का साइज छोटा करने की जरूरत नहीं रहेगी, और अगर लगेगा तो अपन थोड़ा सा छोटा भी साइज कर लेंगे फोटो को, ताकि अपनी वीडियो कुछ अच्छी लगे, ठीक ना। तो इस तरह से इफेक्ट लगा लेना, आपके मनपसंद लगा लेना। मैं आपको खाली डेमो के लिए लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक ना। आप आपके हिसाब से जितने चाहो उसमें इफेक्ट लगा सकते हो, जो काइन मास्टर में ऑलरेडी मिल जाते हैं। और अगर आप क्या करना, थोड़ा थोड़ा सा और फोटो आपको आप क्या करना, छोटा कर लेना। इससे क्या होगा, जो वीडियो रहेगी अपना बहुत अच्छा वीडियो लगेगा, देख सकते हो अपना एक फोटो और बच रहा है, तो इस हिसाब से अपने पूरे फोटो ऐड हो जाए, उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक ना। तो अपन इस फोटो को कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक ना। तो इस तरह से कर लेना है, और क्या करना है, इस फोटो को थोड़ा सा इसके जो वीडियो के बराबर कर देना है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, इसे आपको फोटो को देख लेना है, कोई सा फोटो इस फ्रेम में नहीं आ रहा है, जैसे कि ये फोटो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो इस फोटो पर क्लिक करना, पेन एंड जोन को ऑप्शन पर जाना है, डबल टिक करना, और थोड़ा सा फोटो को इस तरह से खींच देना है निचली साइड, ठीक ना। तो अपने फोटो पूरे ऐड हो जाएंगे बड़ी आसानी। सबके कहना है, यहाँ से राइट को ऑप्शन पर जाना, और इसको डाउनलोड कर लेना है, कुछ समय के लिए मांगेगा, तो अपन थोड़ा सा डाउनलोड कर लेते हैं इस वीडियो को। तो अपना थोड़ा सा समय मांगेगा, ज़्यादा नहीं मांगेगा, तो अपन इसको डाउनलोड कर लेता है, जब तक वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो गाइस देख सकते हो, तो अपना वीडियो बड़ी आसानी से इस तरह डाउनलोड हो जाएगा, ठीक ना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अपना इस तरह से वीडियो पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक ना। डाउनलोड हो जाए तो आपको क्या करना, बैक आ जाना है। बैक आने पर क्या करना है, इस वीडियो को डिलीट कर देना है पहले तो, ठीक ना। आप क्या करना, इससे यहाँ से लेयर के ऑप्शन पे जाना है, मीडिया ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और गाइस जो वीडियो अपन ने डाउनलोड किया है उसी वीडियो पे क्लिक करके फिर से आपको इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद क्या करना, यहाँ से बैक आना, और फिर से स्प्लिट स्क्रीन पे जाना, और फिर से आपको फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद बैक आ जाना है, इस फोटो पे क्लिक करना है गाइस, अब इस फोटो पे क्लिक करना है, और आपको एडजस्ट को ऑप्शन पे जाना, और आपको 4 नंबर की लाइन को -100 कर देना है। फिर से सेकंड वाले फोटो पे जाना, फिर से एडजस्टमेंट के ऑप्शन पे जाना, फिर से 4 नंबर की लाइन को माइनस कर देना। तो क्या करना, यहाँ से अपने हो जाएंगे फोटो ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि आपको अभी नहीं दिखाएंगे।
लेकिन आपके फोटो दिखने लगेंगे, ठीक ना, मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपको फिर से क्लिक करना, फिर से चार नंबर की लाइन पे जाना और फिर से आपको एडजस्ट कर लेना है इस फोटो को। तो इससे क्या होगा, जो अपने फोटो रहेंगे ना बैकग्राउंड वाले, ये पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक ना। तो इस नंबर से आपको चार नंबर की लाइन गिन लेना है, वैल्यू नाम से कुछ इफेक्ट रहेगा इसमें, इसको क्लिक करके और आपको ऐड कर लेना है, ठीक ना। तो इस तरह से मैंने पूरे -100 कर दिया है इनको, सभी लाइन को। आपके कहना जो फोटो जब वीडियो है इस पर क्लिक करना है और आपको अब चले जाना है क्रोमा की के ऑप्शन पे, ठीक ना। क्रोमा की के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा इस वीडियो को यहाँ पे 34 के लगभग कर लेना है। तो देख सकते हो ये फोटो अपने ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है। आपके कहना गाइस यहाँ से अपने कुछ वीडियो खास रहेगी एडिटिंग करना, तो अभी वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें। आपके कहना गाइस आपको पेन एंड जोन को ऑप्शन पे जाना है, इस पर डबल टिक करना और इस फोटो को क्या करना, इस तरह से जूमिंग कर देना इस तरह से, ठीक ना। इस तरह जूमिंग करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सेकंड वाले फोटो क्लिक करना, फिर से आपको क्लिक करना और इस पर डबल टिक करना और आपको इसको भी जूमिंग कर देना इस तरह, ठीक ना। आपके हिसाब से फोटो जितना चाहो आप इसको बड़ा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाले फोटो पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको कहना था सभी फोटो को इसको एडजस्ट कर लेना है इसमें, ठीक ना। तो इस तरह से कर लेंगे तो जो वीडियो रहेगा अपना इतना मस्त वीडियो लगेगा, आप भी कहोगे क्या वीडियो बनाना, ठीक ना। तो इस तरह से आपको सभी फोटो को ऐड करना है, एक कोई फोटो को नहीं छोड़ना है, ताकि आपकी वीडियो कुछ बेकार ना लगे। इसलिए आपको सभी फोटो को जूमिंग कर लेना है और इस तरह से जिस सेंटर में ऐड कर लेना है, और बैकग्राउंड का ध्यान रखना है ताकि आपका बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपकी वीडियो कुछ खास नहीं लगेगी, ठीक ना। इस तरह से करेंगे अपन, लास्ट फोटो और बचा, इसके बाद अपन ऑर्गेनाइजेशन में टेम्पलेट वगैरह आपके हिसाब से लगा लेना है। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है टेम्पलेट की, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से लग रहा है, तो आपको टेम्पलेट की भी जरूरत नहीं है। तो गाइस कुछ वीडियो अपना खास एडिटिंग होकर कम्प्लीट हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको डेमो चला के दिखा देता हूँ कैसा वीडियो अपना लगेगा। तो गाइस देख सकते हो इस तरह से कितना मस्त अपना वीडियो लग रहा है, जो मैंने आपको लाइव स्क्रीन पर बना के दिखा दिया। देख सकते हो साथ में जैसा इफेक्ट चले